हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ है। जिस प्रकार से 12:30 बजे गांधीनगर में अपने पीडीपी के कार्यालय के बाहर महबूबा मुफ्ती ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और उसमें उन्होंने सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के ऊपर सीधे सीधे ब्लेम किया कि वहां कश्मीर के अंदर जो किलिंगें हो रही हैं, जो वहां पर जो सिविलियन मारे जा रहे हैं वो सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस जो है वो जानबूझ के कर रही है, तो जिसका हम खंडन कर रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे सेना पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम जो है वो महबूबा मुफ्ती कर रही है और ना करें। हम लगातार इसका विरोध प्रदर्शन जो महबूबा मुफ्ती का हमेशा करते रहे, हर बयान के ऊपर हमने विरोध प्रदर्शन किया और हमने सरकार से एक मांग की है कि इस महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल में डाला जाए। देखिए जिस प्रकार से ये कश्मीर के अंदर लगातार जो है बयानबाजी करती रही है, लगातार वहाँ पर जो है माहौल खराब करने की कोशिश जो है ये महबूबा मुफ्ती करती रही है, लगातार ये देश विरोधी बयानबाजी जो है वो वहाँ पर वो करती रही है, तो उसी के तहत आज ये यहाँ पर भी जम्मू के अंदर भी आकर वो बोली है। तो हम केंद्र सरकार से यूटी सरकार से ये मांग करते रहे कि इस महबूबा मुफ्ती को जम्मू के अंदर ना आने दिया जाए और सबसे बड़ी बात कि इसको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारी सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के ऊपर सीधे सीधे एलिगेशन लगा रही है और ऐसा ना हो कि ये जो हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत का अपमान भी कर रही है, ऐसा ना हो आने वाले दिनों में कि इसके खिलाफ पीडीपी के खिलाफ जम्मू में भी एक जन विद्रोह जागृत हो जाए और इसके विरोध के जो स्वर उठेंगे उसके अंदर जो अप्रिय घटनाएं घटेंगी उसकी जिम्मेवार फिर या तो केंद्र सरकार होगी या यूटी सरकार होगी या पीडीपी होगी।